पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया अपने बयान को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। दानिश ने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कनेरिया ने अहमद शहजाद का पुराना वीडियो शेयर करके बताया कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक हिंदू होने या धर्म को लेकर खराब बर्ताव होता था और उन्हें लगातार धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। दरअसल जो वीडियो दानिश कनेरिया ने शेयर किया है उसमें 2014 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एक मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद श्रीलंका के क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान को इस्लाम अपनाने के लिए कहते हुए देखे गए। वो दिलशान से कह रहे हैं कि अगर वो इस्लाम अपना लेंगे तो वो सीधे स्वर्ग जा सकेंगे। यही वीडियो शेयर कर कनेरिया ने एक बार फिर क्रिकेट जगत में तूफान खड़ा कर दिया है। दानिश कनेरिया टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर हैं। इस लेग स्पिनर ने पाकिस्तान के लिए कुल 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेट लिए। कनेरिया ने 8 एक दिवसीय मैचों में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया जिसमें उनके नाम पर 15 विकेट दर्ज हैं। दानिश पाकिस्तान के लिए खेलने वाले दूसरे एवं आखिरी हिंदू क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले दानिश कनेरिया दूसरे हिंदू क्रिकेटर हैं, लेकिन पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में कई ऐसे हिंदू, सिख और ईसाई खिलाड़ी रहे हैं जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट में अपना नाम कमा चुके हैं। ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 20 सितंबर 1963 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची में जन्मे अनिल दलपत कमाल के विकेटकीपर रहे। वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले हिंदू क्रिकेटर रहे। दलपत उन विकेटकीपरों में से एक थे जिन्हें वसीम बारी के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी टीम में मौका मिला। 1983-84 में कराची में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में दलपत ने अब्दुल कादिर की फिरकी गेंदों का बखूबी सामना किया था। अनिल दलपत ने उस डेब्यू टेस्ट मैच में बल्ले से भी अहम योगदान दिया था। मुकाबले में 66 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान के 40 रन पर 6 विकेट गिर गए थे। ऐसे में दलपत ने नाबाद 16 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया था। अनिल दलपत ने पाकिस्तान के लिए कुल मिलाकर 9 टेस्ट और 15 वनडे मुकाबले खेले। दलपत ने टेस्ट क्रिकेट में 15.18 की औसत से 167 रन बनाए जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा। वहीं वनडे इंटरनेशनल में वह सिर्फ 87 रन बना सके। टेस्ट मैचों में दलपत ने विकेट के पीछे 25 शिकार किए जबकि वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 15 शिकार दर्ज हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए अनिल दलपत के पूर्वज दशकों पहले सूरत से आकर कराची में बस गए थे। अनिल दलपत ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 17 अक्टूबर 1986 को पेशावर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। दलपत ने 137 फर्स्ट क्लास मैचों में 2,556 रन बनाए जिसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने विकेट के पीछे 430 शिकार किए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद दलपत कनाडा चले गए जहां उन्होंने कोचिंग देना शुरू किया। बाद में उन्होंने वहां पर अपना बिजनेस भी शुरू किया। दलपत ने साल 2002 में एक बयान दिया था, इमरान खान के कारण मैं उतना नहीं खेल पाया जितने का हकदार था। इमरान और मोहम्मद भाइयों के बीच झगड़े के कारण मुझे बलि का बकरा बनाया गया। अगर मुझे सही से मौका दिया जाता तो मैं और खेलता। अनिल दलपत के अलावा सिर्फ 6 ऐसे गैर मुस्लिम क्रिकेटर हुए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व किया। इनमें दानिश कनेरिया का भी नाम शामिल है जो रिश्ते में अनिल दलपत के चचेरे भाई लगते हैं। अनिल के अन्य 2 चचेरे भाई भरत कुमार और महेंद्र कुमार भी पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं। अब जानते हैं पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले दूसरे हिंदू क्रिकेटरों के बारे में। अनूप संतोष। मोइन खान को मानते थे आदर्श। अनूप संतोष अपना आदर्श मोइन खान को मानते थे। अनूप विकेट कीपर थे। न्यूजीलैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में बुलाए जाने से पहले संतोष ने 7 प्रथम श्रेणी खेल खेले थे। वैसे उन्होंने 31 फर्स्ट क्लास मैचों में 19.37 के एवरेज से 833 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने 85 कैच और 6 स्टंप किए। वहीं उन्होंने 15 लिस्ट ए में 16.54 के एवरेज से 182 रन बनाए थे। इनमें उनके नाम 17 कैच और 3 स्टंप हैं। लाल कुमार रहे हैं ऑलराउंडर। 25 अक्टूबर 1987 को सिंध के मीठी में जन्मे लाल कुमार पाकिस्तान ने पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। लाल ने 71 फर्स्ट क्लास मैचों में 3,393 रन और 131 विकेट लिए। वहीं
38 लिस्ट ए में उन्होंने 578 रन और 42 विकेट हासिल किए थे। इसके इतर उन्होंने 27 टी20 में 212 रन और 16 विकेट लिए। मोहिंदर कुमार दो दशक तक खेले क्रिकेट। 11 जून 1959 को कराची सिंध में जन्मे मोहिंदर कुमार दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। उन्होंने पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में करीब दो दशक तक खेला। मोहिंदर ने 65 फर्स्ट क्लास मैचों में 1172 रन और 187 विकेट लिए। वहीं 53 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 64 विकेट लेकर 359 रन बनाए थे। राजेश रमेश। कराची सिंध में जन्मे राजेश रमेश दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने कराची टीम की ओर से कई मैच खेले। 67 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 982 रन बनाए और 242 विकेट झटके, जबकि 30 लिस्ट ए में उनके नाम 25 विकेट और 130 रन थे। इसके अलावा उन्होंने 3 टी20 मैच भी खेले। महेंद्र पाल सिंह, पाकिस्तान के पहले सिख क्रिकेटर। महेंद्र पाल सिंह की पहचान पाकिस्तान के पहले सिख क्रिकेटर के तौर पर है। साल 2013 में जब महेंद्र पाल 17 साल के थे तो वो गद्दाफी स्टेडियम के ठीक बाहर अब्दुल कादिर अकादमी से जुड़ गए थे। 2016 में उन्हें मुल्तान में एनसीए में फास्ट बॉलर्स के कैंप के लिए चुना गया था। 2021 में सिंह पेशावर जालमी टीम में असिस्टेंट मैनेजर बन गए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।